हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स होड्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, जिसकी हमें लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर। अब हमें यहाँ उससे क्या करना है, एक स्क्वेयर कंप्लीट करा के दिखाना है। अब है हमारे चैप्टर का नेम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि होड्स क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग होते ही हैं। हमें इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर और ए बी की साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है स्क्वेयर में सभी साइड्स क्या होती हैं 4 सेंटीमीटर, और हर एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लेंगे ए बी 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है क्योंकि स्क्वेयर में हर एक एंगल आपका किसका होता है 90 डिग्री का, तो हम जो ए बी साइड है उसके ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अब की बार क्या करेंगे, ए को सेंटर लें, ठीक है, क्या किया, ए को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर कट हुआ आकर यहाँ से इस पॉइंट पर रखें, पहली आर्क लगाएं जो कि होती है 60 डिग्री, जहाँ पर दोनों आर्क कट हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अपनी नीडल रखेंगे एंड ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री की आई, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट से, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, 60 वाले पॉइंट पर रखा हमने, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाई, ड्रॉ एन आर्क। अब जो 120 वाला पॉइंट है, अब इसको सेंटर लेंगे एंड ड्रॉ अनदर आर्क, ठीक है, जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा। इस पॉइंट का हम नेम लिखेंगे ए बी, कुछ और रख लेते हैं पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को पी से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ये एक रे है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है और ऊपर तक कहीं तक जा रही है, ठीक है। इसको हम यहाँ नेम ले देते हैं ए एक्स। यहाँ पर ये आपका किसका 90 डिग्री का एंगल बन गया है। सिमिलरली पॉइंट बी से, जो आपका पॉइंट बी है, यहाँ पर बी को सेंटर लेंगे और पूरा वही प्रोसेस जो हम 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आपके बार देखो, कई बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपका अगर लाइन सेगमेंट है ही नहीं तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। यहाँ पर रखें, फर्स्ट आर्क होती है आपकी 60 डिग्री, जहाँ पर दोनों आर्क कट हुई हैं यहाँ पर कंपस रखें, और दूसरी आर्क आपकी आएगी 120 डिग्री, ये 60 डिग्री की होती है, ये 120 डिग्री, दोनों पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट से रखें, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं, अब की बार इसको सेंटर लेंगे, टेक दिस एज सेंटर एंड ड्रो अनदर आर्क, ठीक है। और ये जो दोनों आर्क है वो किसी पॉइंट पर कट होंगी, जिसको हम नेम दे देते हैं आर। नाउ जॉइन बी टू आर, ठीक है, और ये रे है जो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, तो ये आपकी रे आ जाएगी बी वाई, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, आपका स्क्वेयर कंप्लीट होता नजर आ रहा है। अब हमें पता, स्क्वेयर की सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, तो जब हमारे पास नीचे वाली 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 सेंटीमीटर आएंगे, तो यहाँ से इसी में से हम मेज़र कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इसी में से ही ओपन कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे, आपकी बार ए को सेंटर लिया, एक आर्क लगा दिया, बी पॉइंट को सेंटर लिया और दूसरी आर्क लगाई, जो रे विच कट रे ए एक्स एट अ पॉइंट एंड नेम दिस पॉइंट एज ए बी सी एंड डी, ठीक है। और ये जो आर्क है, ये बी वाई आर्क, रे बी वाई, ठीक है, ये जो ये आपके कौन सी रे है, बी वाई, ठीक है। और ये जो आर्क है, ये वाली आर्क है, कट रे बी वाई एट अ पॉइंट सी। नाउ जॉइन डी टू सी, अब हम क्या करेंगे, जो डी और सी पॉइंट आए हैं इनको जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, आपका स्क्वेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर, आप चाहें तो मेज़र करके देख लें, ठीक है, एग्जैक्ट आपका 4 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पर ये आपका स्क्वेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इसमें लिख दें 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर गिवन, कंप्लीट द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इन्होंने बोला क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है,
थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं कि हम देखो, कोलिनियर का मतलब होता है बिल्कुल एक सीधी लाइन में। जैसे मान लीजिए, जैसे ये और ये, अगर आप इनमें से ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी लाइन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ पी, यहाँ पर मैंने कहीं पर लिया क्यू, और यहाँ पर मैंने कहीं पर लिया आर। क्या ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन, एक सीधे रास्ते में से है? नहीं। इनमें से एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी तो ये रह जाएगा, इनमें से एक लाइन ज्वाइन होगी तो ये रह जाएगा। मतलब ये कैसे पॉइंट है हमारे? नॉन कोलिनियर। अब हमें इनसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पहले तो इनको ज्वाइन कर दो, कहीं पर भी लेना। पॉइंट्स के ऊपर कोई मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कहाँ लेना है, कहीं पर भी कोई तीन पॉइंट ले लें। क्यू को आर से ज्वाइन करें, क्यू को पी से ज्वाइन करें, ज्वाइन पी क्यू एंड ज्वाइन पी आर, ठीक है। ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब आप ये देखें आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। मैं आपको बता देती हूँ पैरेललोग्राम कैसा होता है। देखिए ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी। अब अगर ये वाली साइड इसके ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी। अब जितना पी क्यू है मुझे इतनी ही साइड यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं यहाँ से जितना क्यू पी है इतना इसमें से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। इतना मेज़र कर लिया क्यू पी। अब टेक आर एज सेंटर एंड ड्रो एन आर्क, ठीक है। एक आर्क ड्रो करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से देखें जितनी नीचे वाली साइड है उतनी ऊपर वाली होती है, तो यहाँ से देखें क्यू से आर, जितना क्यू से आर है उतना ओपन करें, ठीक है। आपके बार क्या लेंगे, इसके अपोजिट यहाँ साइड आएगी, तो इसके अपोजिट पॉइंट कौन सा है? पी। पी को सेंट टेक पी एस सेंटर एंड ड्रो एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट अ पॉइंट, ये आपका पॉइंट है पी क्यू आर, ये पॉइंट हो जाएगा एस, ठीक है। नाउ ज्वाइन एस टू आर, एस को आर से मिला दें एंड ज्वाइन पी टू एस, पी को मिला दें एस से, ठीक है। अब आप देखें आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम होता क्या है। आपने स्वीट्स खाई होंगी तो ये हमारी हर जगह मिलता ही होगा वैसे तो, ठीक है। जैसी बर्फी होती है ना, ऐसे एक काजू कतली होती है ऐसे, ठीक है। काइट नहीं, थोड़ा यही शेप होती है, वो आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। बर्फी के स्क्वायर पीसीज होते हैं लेकिन उसकी यही शेप होती है, वो आपका पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर आपका फिर चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल ओब्ट्यूज एंगल डेट सी, ये आपकी बुक में ही सेम ऐसी ही फिगर बनी हुई है, उतनी ही मेजरमेंट की है मैंने, यहीं पर ऐसे बनाई है इसमें से। ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल ओब्ट्यूज एंगल डेट सी। ओब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर सी पर जो एंगल है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो हम उसको ओब्ट्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपका एंगल कितना हो गया, यहाँ पर देखो कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, जाके 110 और 120 के बीच में, मतलब 90 से तो बड़ा ही है ना। देखो यहाँ इसकी तरफ, यहाँ जब हम सी से इधर चले थे यहाँ जीरो आई थी, तो ऊपर वालों में से, ऊपर वालों में से देखो 110 से और 120 के बीच में, मतलब 115 का है, तो ये ऑब्ट्यूज है, यहाँ पर 90 से बड़ा है। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, ये जो पॉइंट बी है ना, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है एक बिल्कुल सीधी लाइन नीचे, ठीक है, ऐसे नीचे आएगी, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? कंस्ट्रक्ट एंड शो। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है और शो करना है, ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा अलग है लेकिन पहले आपने नहीं किया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ देखो मैंने कहा था ए पॉइंट से आप आर कितनी ओपन करें कि वो नीचे वाली साइड को दो बार कट करें, ठीक है। टेक ए एज सेंटर एंड ड्रो एन आर्क विच कट बी सी एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी और अलग है हमारे लिए। अब मैं बी से चाहे मैं कितना भी ओपन, देखो बी पॉइंट ऊपर है ना,
मुझे ऐसे आर्क लगानी है कि वो AC को 2 बार कट करे, लेकिन आप कितना भी ओपन करो, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन वो इस AC को ना, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो रहे हैं, इससे CB, देखो अगर आप इससे नीचे आओगे, CB आपका लेफ्ट में है, AB लेफ्ट में है, तो वो 2 बार तो कट कर ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, नहीं वो सिर्फ 1 बार कट करेगा इसको, ठीक है, जो आप आर्क लगाओगे। तो मैं यहाँ कहती हूँ आप बी से, बी पर कंपस रखो और आप इतना ओपन करो कि वो AC को 1 बार ओपन करे और 1 बार बाहर निकल जाए, क्योंकि कंडीशन ही यही है, 2 बार तो वो कट करता ही नहीं, 2 बार नहीं करता तो चलो कोई बात नहीं, 1 बार कट कर ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लेंगे, ठीक है, बी को सेंटर लिया हम, एक आर्क यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, हम आर्क लगाएंगे, डॉटेड लगा लो, ठीक है, बड़ी सारी आर्क लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। मैंने आर्क लगाई है और वो अब यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ है, आप यहाँ तक आर्क लेके जाना कि जब आप AC को एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड मतलब जब आप AC को बढ़ा दोगे, ये जो, क्योंकि हमें 2 बार तो कट करवाना था, हमें AC, ये जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता, ये A to C लाइन सेगमेंट है, 2 बार कट करवाना था, 2 बार कट नहीं हो रहा, तो 1 बार हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो वो 2 बार कट कर जाएगा, ठीक है। मैंने AC के साथ स्केल रखा यहाँ पर और मैं इस AC जो आपका लाइन सेगमेंट है, इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, अब तो इस आर्क ने, ये जो आर्क है, अब तो ये 2 पॉइंट पर कट हो रही है, ये पॉइंट है आपका P और ये यहाँ पर, ये एक और कट किया यहाँ पर, ये पॉइंट आपका आया है Q, ठीक है। अब इससे वही सेम प्रोसेस चलेगी जैसे हमने पहले जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें करवाया था, थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब B, एक तो पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इससे हम नीचे की तरफ ऐसे 2 आर्क लगाएंगे, ठीक है, चाहे तो इतनी ही कंपस ओपन रहने दें, ठीक है। पी पॉइंट, अब आप ध्यान से देखो, मैंने पी पॉइंट पर अपनी कंपस रखी है और नीचे की तरफ एक आर्क लगाई है, ठीक है, कैसे किया है, पी पॉइंट को सेंटर लिया है और एक आर्क लगाई है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। अब की बार क्यू पॉइंट को सेंटर लेंगे, ठीक है, टेक क्यू एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट अ पॉइंट एंड नेम दिस पॉइंट एज टी, और इस पॉइंट को हम क्या नेम दे देंगे, टी। अब आप यहाँ से देखें, बी को ज्वाइन करना है टी से, पॉइंट बी को ज्वाइन करेंगे टी से और नीचे जाने देंगे, ठीक है, हमने ये ज्वाइन किया और इसको नीचे जाने दिया, तो ये आपका क्या जाएगा, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, उन्होंने क्या कहा था, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B to AC, तो बी से ये एक परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर कैसे है, अगर आप ये जो आपने लाइन एक्सटेंड की थी और ये बी से जो नीचे रे आ रही है, आप ये इस पॉइंट पर कट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर आप एंगल देखो कितना आया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो देखो कहाँ से जा रहा है, 90 में से जा रहा है, आपकी लाइन यहाँ पर नीचे है और एक इस पॉइंट में से जा रहा है 90 में से, 90 डिग्री का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, आप ऐसे स्क्वेयर बॉक्स बनाना और स्केल का यूज़ करें, फ्री हैंड से कुछ ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।